नमस्कार भाई, मैं अशोक व्यास। और बहुत लंबे समय के बाद ये अवसर हो रहा है कि हम हमारे कौंसल जनरल संदीप चक्रवर्ती जी से बात कर रहे हैं, और संभवतया आईटीवी गोल्ड के लिए ये उनकी इस तरह की बातचीत का संभवतया अंतिम अवसर भी हो सकता है, न भी हो। पर बहुत समय नहीं रहा है उनके न्यूयॉर्क से भारत लौटने में, तो मैं आपका बहुत प्रेम के साथ, आदर के साथ, आत्मीयता के साथ इस बातचीत में स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अशोक जी। और आपकी व्यक्तित्व की कुछ बातें ऐसी हैं जिनको सभी लोगों ने बहुत पसंद किया है, आपने सबको अंदरूनी तौर पर यहाँ छूने में सफलता पाई, उसके लिए मैं आपको बधाई देते हुए आपका सीक्रेट जान लेना चाहता हूँ इस बातचीत में। तो और एक बात ये जोड़ते हुए कि हर एक कार्य के अपने प्रेशर्स होते हैं, और आपके तो और भी ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े अतिथियों से लेके यहाँ के उत्तरदायित्व, तो उस सबको इस समरसता से निभाने में क्या ऐसी बात है जो आपकी बहुत मदद करती है? धन्यवाद। ये आपने जो एक मेरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया, एक पॉजिटिव मूल्यांकन किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। देखिए, मेरा ये समझना है कि आदमी अगर जो है, जो उसका चरित्र है या उसका स्वभाव है, वो एक जैसा अगर रहे हर समय, बहुरूपिया ना बने, जैसे वो अपने अपने आप को दूसरों के प्रति देखता है या उनका जो स्वभाव उनके परिवार के साथ है, धर्मपत्नी के साथ है, बच्चों के साथ है, वैसा ही बाहर होना चाहिए, मुझे ये मेरा ये मानना है। तो आदमी को फिर पढ़ने में सुविधा होती है, वो दूसरों से जो रिलेट करता है उसमें सुविधा होती है, दूसरे लोगों को भी ना कि उस आदमी से रिलेट करने में सुविधा होती है। नहीं तो जो बड़े अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटीज होते हैं ना, वो मुझे खुद पसंद भी नहीं है, और उनसे लोग फिर समझ नहीं आते कि मैं आज ये तो अच्छे मूड में है, कल खराब मूड में। कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी मुझे लगता है इज मोर यू नो गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड गुड फॉर सक्सेस ऑफ एनी 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 पर्सन। तो मैंने वो कोशिश करी है, कितना मैं सफल हुआ हूँ वो मैं नहीं जानता, बट मैं सबसे एक तरीके का व्यवहार करने की कोशिश करता हूँ, अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता हूँ। अगर मेरे मन में कुछ है तो मैं वो जुबान पे लाने की कोशिश करता हूँ, दिल में नहीं रखता। तो आई थिंक दैट हैज बीन माय अटेम्प्ट। आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल आई हैव बीन, बट आई थिंक दैट आल्सो इज आल्सो मैंने आपको इससे पहले जब हम वार्तालाप कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि जो ऑफिस होता है ना, वो उसमें हम ज्यादा समय बिताते हैं, तो ऑफिस के काम को ना पैशन के साथ और हमारा कर्म समझ के करना चाहिए। और किसी ने एक बात बहुत खूबी से कही कि कार्यकर्ता वही होता है जिसका कार्य दिखे, करता ना दिखे। तो कार्य को करने दीजिए, और कर्ता अगर पीछे रहे और कार्य आगे रहे, तो फिर वो जो मुझे लगता है सफलता का कुंजी बन जाता है, मुझे मेरा ये मानना है। तो अगर मैं उसमें सफल हुआ हूँ, लोगों का आभारी हूँ। और दो, देखिए सक्सेस में तीन फैक्टर्स होते हैं, एक तो इंडिविजुअल, एक है उसके पीछे जो टीम, और दूसरा जिनके साथ वो काम कर रहा है। तो अगर हम आपके साथ या कम्युनिटी के साथ या जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम सर्व करते हैं, वो उनसे सहयोग मिला है तो हम सफल हुए हैं। मेरी टीम बहुत अच्छी है, हमारे डिप्टी कॉन्सुल जनरल, हमारे कॉन्सुल्स, हमारे बाकी स्टाफ, एक बहुत ही उत्तम टीम मुझे यहाँ न्यूयॉर्क में मिला है, और उसके लिए मैं आभारी हूँ। और मैं तो एक कड़ी था, मैंने फंक्शन करने की कोशिश करी है उस कड़ी में, और अगर सफलता मिली है तो उसका आभार बहुत लोगों को जाता है। अगर मैं खुद सारा श्रेय ले लूं तो मुझे लगता है वो अन्याय होगा। चलिए, तो आपके साथ ये श्रेय हम भी लेते हैं, अपने बाकी जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके साथ भी बांटते हैं। और इस श्रेय की बात को लेते हुए, आपके अंदर जो स्पष्टता है कि जो कार्य करना है वो किस तरह से करना है, हम उससे अगर कहें कि क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ वंस रोल, ये बड़ी मदद करती है। तो हमारी प्रायोरिटीज तय हो जाती हैं, वरना कई बार हम कर कुछ रहे होते हैं, हमारी अपेक्षा कुछ और होती है। तो अगला सवाल आपसे इस क्लैरिटी के सीक्रेट को जानने में है। आपको लगता है आपके माता पिता से वो क्लैरिटी आपको मिली, आपके किसी शिक्षक की बात ने आपको अंदर तक कुछ स्पष्टता दी? किसको श्रेय इस दृष्टि से आप देना चाहेंगे, क्लैरिटी अबाउट योर रोल इन लाइफ एज वेल एज कॉन्सल जनरल?
देखिए, माता पिता से तो वैल्यूज मिली हैं कुछ कुछ, जो हर हिंदुस्तानी परिवार में हम लोगों को मिलती है। इनफैक्ट हम लोग अगर अमेरिका में सक्सेसफुल हुए हैं, भारतीय मूल के लोग, वो हमारे कल्चर, हमारी सिविलाइजेशनल थॉट्स, हमारे वैल्यूज की वजह से है, जिसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। और हम कुछ कुछ चीजें हम सीख के आए हैं, भारतीयता जो हमारे में है वो, उसका उसको मैं श्रेय दूंगा काफी हद तक। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो हमारी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मिनिस्ट्री की लीडरशिप, मेरे मेरे एम्बेसडर जो रहे हैं या जो भी वर्तमान में है, उनसे जो क्लैरिटी मिलती है, डायरेक्शंस मिलता है, वो काफी सफलता का श्रेय उनको भी जाता है बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए, हम लोग तो आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करते हैं। हमारे को जो सिग्नल्स मंत्रालय से मिलता है, हमारी लीडरशिप से मिलता है, हम उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। अब कुछ लोग हो सकते हैं थोड़े उदासीन हो, थोड़े कम लेवल पे देखिए, सुर तो वहीं से आता है, सब हमको वाइब्रेट करना होता है। कुछ लोग थोड़ा ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, सब अपने कैरेक्टर, अपने पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। तो मैं शायद थोड़ा ज्यादा कर लिया हूँ तो, लेकिन जो कंडक्टर है वो दूसरी जगह है। मैं कंडक्टर नहीं हूँ, मैं खाली तार हूँ और मैंने बजने की कोशिश की है। तो उसमें कई फैक्टर्स हैं और कई लोग कंडक्टर हैं, कई उसमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और जब सब अच्छे से बजे तो ही सिम्फनी उसमें से सुर निकलता है। तो बेसुर रहने का खतरा बहुत ज्यादा होता हाँ है, बट इसमें हम लोग सुर में बज पाए, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं अपने परिवार को भी श्रेय दूंगा। मेरे मेरे मेरी जो धर्म पत्नी है डॉक्टर तरुणा चक्रवर्ती, उन्होंने काफी सपोर्ट करा है। मेरे बच्चों ने कभी मेरे से समय मैं जो उनको दे नहीं पाया, जो नॉर्मल एक पिता का कर्तव्य होता है बच्चों को अधिक समय देना, वो मैं नहीं दे पाया अपने कार्य की वजह से। लेकिन उन्होंने कभी उसमें अपना कंप्लेन नहीं करी, उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी, तो उनको भी श्रेय जाता है। और मुझे अच्छा टीम मिला है यहाँ पे कॉन्सुलेट में, उनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है। और कम्युनिटी से भी मैं फीडबैक लिया हूँ। आप मीडिया मीडिया को श्रेय जाता है, आप उसमें हैं, आपसे मैंने कई बार वार्तालाप की, कई बार हम लोगों के बातचीत हुई है, इनफॉर्मली एंड फॉर्मली। तो मैं उन सिग्नल्स को रीड करने की कोशिश किया हूँ और अकॉर्डिंगली मैंने अपने काम को मॉड्यूलेट मॉडरेट करने की कोशिश की है। तो ये किसी पे कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि कई लोगों का उसमें एक अच्छा, मतलब भारतीय व्यंजन की तरह है, उसमें कई मसाले पड़ते हैं। आपकी बात में से कहीं एक आपके अंदर का कवि है वो भी दिखाई देता है, और आपके अंदर लेखक तो है ही, आपके ब्लॉग्स बड़े अच्छे हैं। पर अभी संदर्भ आया था बच्चों का भी, और निश्चित रूप से उनकी माता जी का भी संदर्भ आया था, पर चूंकि फादर्स डे हम हमारे आसपास है, तो ये जो दिन है जैसे फादर्स डे, अब तो भारत में भी इसका बड़ा प्रचलन हो गया है, तो आपका अपना कुछ पारिवारिक फादर्स डे को लेके कोई ट्रेडिशन जैसा है क्या, और क्या सिग्निफिकेंस मानते हैं आप फादर्स डे का? देखिए, ये सब तो जब हम हमारे पिताजी इस दुनिया में मौजूद थे तब तो था नहीं फादर्स डे, तो उस तरीके से हमने सन टू फादर का डे उस तरीके से मनाया नहीं। तो अभी तो उपभोग करने का समय आया है, में हमारे बच्चे मनाते हैं। इस साल तो फादर्स डे पे हम योगा करेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, तो इस बार हमने परिवार के साथ योगा करके फादर्स डे मनाने का हमने ठाना है। क्या बात है। तो अब फिर ये फादर्स डे के साथ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, तो उस पर भी थोड़ी बात करें। और उस दिन सोलर इक्लिप्स भी है, लेकिन अब चूंकि सब कुछ अंदर ही होने वाला है इसलिए बात ठीक रहेगी, पर अब आपकी उपस्थिति में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बड़े धूमधाम से कह दीजिए या बड़े उत्साह के साथ बहुत सारे संगठनों ने एक साथ मिलकर मनाया है इस बार, लेकिन COVID-19 के चलते हालात थोड़े अलग हैं, तो उससे उत्साह में कुछ कमी आई है, या आपको लगता है इसका जो एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है वो इंटैक्ट है और ये और भी ज़्यादा रेलेवेंट है बिकॉज एडवर्स सर्कमस्टेंसेज हैं? नहीं, बहुत उमदा बात, अच्छी बात कही आपने। मुझे लगता है कि ये जो पिछले 4 महीनों में कोविड के दौरान जो हम गृहबंदी थे, उसमें योगा का जो इम्पोर्टेंस है सबको समझ में आया। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखने के लिए योगा का जो महत्व है वो हम सबको समझ में आया है। और आज ही मैं जो टाइम स्क्वायर अलायंस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा समर सॉल्स्टिस मनाते हैं, उनके साथ मैं कॉन्वर्सेशन में था। तो बहुत, देखिए, सूर्य का या सूरज का जो हर कल्चर में बहुत महत्व है। तो जी हमारी जो शक्ति है और जो
ऊर्जा हमें मिलती है, और हर प्राणी इस दुनिया में वो सूरज से ही अपनी ऊर्जा लेती है, और हर कल्चर उसको सूरज को मानता है, उस पे समर्पित रहता है और उसको उसका उसको पूछता है। और मॉडर्न रिलीजन में शायद उसको उतना स्थान नहीं दिया गया, जबकि हमारे धर्म में उसका बहुत बड़ा स्थान है और एंशियंट कल्चर्स में। तो मुझे बड़ी खुशी की बात लगी कि टाइम्स स्क्वायर अलायंस समर सोल्स्टिस धूमधाम से मनाता है। इस साल हमारा उद्देश्य था कि हम उनके साथ मनाएं बहुत बड़े रूप में, लेकिन इस बार हो नहीं पाया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का इस साल का स्लोगन है घर घर से योगा, तो हम घर घर से योगा करेंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं, एकदम बात 100% सही है कि योगा इन्हीं परिस्थितियों में बहुत उपयोगी माना जाता है। आपने देखा होगा कोविड पे भी बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर जब बात कर रहे थे, वो योगा की बात या प्राणायाम की बात नहीं कर रहे, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज की बात कर रहे थे। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भाई साहब है और है क्या, प्राणायाम ही तो है। अनुलोम विलोम और भस्त्रिका और ये सब अगर जो किए हैं, मुझे मालूम है उनको बहुत फायदा। इनफैक्ट आपने ध्यान दिया होगा ये जो क्रिस कोमो है, उनको कोविड हुआ था दुर्भाग्यपूर्वक, एंड वो कई बार अपने शो में बोले कि मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने पड़े थे। तो ये सब योगा की देन है और मुझे लगता है बहुत लोगों को फायदा हुआ है। हम लोगों ने कोविड के दौरान हर दिन योगा का हमने क्लास रखा ऑनलाइन, और लोगों ने उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ। ये फायदे की बात को लेते हुए, जो भारत ने पूरे विश्व में भारत का अगर योग की परंपरा उपहार के रूप में गए, तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जब से शुरू हुआ, इसके संदर्भ को लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी याद आते हैं, और आपके कार्यकाल में उनकी यहाँ यात्राएं भी रही हैं। और एक समय ऐसा होता है जब एक मनुष्य केंद्र जैसा हो जाता है, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अभी भी हैं, लेकिन एक ऐसा रहा कि उनका एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हो जैसा, तो एक डिप्लोमेट की तरह आप जो देखें, पर एक होता है कि वो जनमानस में वो कहीं ना कहीं जुड़ गए, ऐसा रहा। तो जब ऐसा व्यक्तित्व आता है और आप यहाँ पर कौंसल जनरल होते हैं, तो आपके जो उत्तरदायित्व होते हैं उनका निर्वहन करने में कुछ और अधिक आनंद आता होगा क्या? मतलब कैसा अनुभव आपका रहा उनकी विजिट के बारे में, अगर नॉट जस्ट एज एन ऑफिशियल, बट हाउ दैट मेड यू फील ओवरऑल बींग विटनेस टू दैट विजिट? देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो क्या है कि जो एक आप इंग्लिश में वर्ड है इंस्पायर होना, इंस्पिरेशन देना लोगों को, लोगों को जागरूक करना, मोटिवेट करना, वो एक लीडरशिप का काम होता है। और जिन देशों में ऐसे लीडर्स होते हैं वो वहाँ के लोग, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की डिप्लोमेसी इंस्पायर्ड होती है। तो मुझे लगता है कि ये कार्य हुआ है भारत में पिछले गत वर्षों में और अभी भी हो रहा है। तो वो मार्गदर्शन का रूप मार्गदर्शन देते हैं हमको, एक लक्ष्य लक्ष्य देते हैं, गोल सेट करते हैं। देखिए लीडरशिप का काम मार्गदर्शन देना और गोल सेटिंग है, बाकी उसको अचीव करना तो हम लोगों का काम होता है। तो मुझे लगता है वहां की जो उस बात की क्लैरिटी है, जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य और मार्गदर्शन गोल सेटिंग, उसमें बहुत हमें सहूलियत हुई। हमें क्लियर आइडिया मिलता है कि हमें क्या करना है और किससे भारत का नाम और भारत की ख्याति बढ़ेगी। देखिए डिप्लोमेसी का रोल तो भारत का नाम बढ़ाना, भारत को रोशन करना, उसकी ख्याति बढ़ाना, और किस तरीके से जो विदेश की जो एनवायरनमेंट है, विदेश में जो चीजें हैं, चाहे वो रिसोर्सेस हो, चाहे धनराशि हो, चाहे लोग हो, उसको हम किस तरह भारत के परिवर्तन और नवनिर्माण में सहयोगी बना सकते हैं, उस वो हमारा काम होता है। तो उसमें जो प्रधानमंत्री जी का लीडरशिप है वो मुझे लगता है बहुत सराहनीय है, और हमने उनको बहुत करीब से देखा यहाँ पे जब वो आए थे न्यूयॉर्क, और कितनी एनर्जी और कितने डायनामिज्म उनमें है वो हमने एकदम करीब से देखा। और अभी हाल ही में हम बात कर रहे थे, किसी ने मुझसे पूछा कि आपके 3 साल में सबसे उल्लेखनीय क्या रहा, तो मैंने कहा कि मैंने करीब से प्रधानमंत्री को कार्य करते देखा, तो मैं काफी उसमें प्रभावित हुआ पॉजिटिवली। तो मैंने सही चीज पकड़ ली थी, मतलब ये एक महत्वपूर्ण घटना कह दीजिए आपके कार्यकाल की कहीं ना कहीं रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। पर इसके अलावा आपकी दृष्टि में ऐसे महत्वपूर्ण अनुभव या उपलब्धियां, चाहे वो किसी सामाजिक संगठन में आपकी उपस्थिति रही हो या आपने
कुछ ऐसा यहाँ होते हुए देखा हो भारतीय समुदाय जिसमें जुड़ा रहा हो, जिससे जिसको लेके आप उत्साहित हुए, जिसको लेके आपको मजा आया मतलब अंदर से, तो ऐसी हाँ, ये मैंने आपने एक सवाल बहुत अच्छा कहा और मैंने इसके बारे में सोचा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे जो आप लोग लेगेसी की बात करते हैं या आपको क्या सबसे अच्छा लगा, क्या छोड़ गए, वो बात है। तो मुझे लगता है कि जो जो प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे थे, तो गांधी जी के 150वें सालगिरह पर हम लोगों ने आपके लॉन्ग आइलैंड में ही ओल्ड वेस्टबरी सुनी कैंपस में गांधी पीस गार्डन का निर्माण किया है। जी। उसमें हमने पेड़ लगाए 150 पेड़, हर पेड़ एक किसी अमरीकी राज्य को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। वो हमने कम्युनिटी के साथ किया और उसमें कोई धनराशि ना सरकार की है ना किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें लोगों ने अपने से कंट्रीब्यूट करा। हर किसी ने अपने परिवार के नाम से, या पिताजी या माताजी या अपने गुरु या किसी मंदिर या किसी भगवान के नाम से एक एक पेड़ वहां पे उन्होंने लोगों ने अडॉप्ट किया। तो ये एक स्मृति है और जो रह जाएगी, और मैं आशा करता हूँ कि वो जो बगिया है, बगीचा है, वो खूब फूले फले और सुंदर हो और एक परमानेंट लेगेसी बन के रह जाएगी कॉन्सुलेट और कम्युनिटी के बीच के जो कोऑपरेशन की। तो वो उसमें मुझे बहुत आनंद आया क्योंकि पूरा कंसेप्शन और उसका एग्जीक्यूशन में मैं इन्वॉल्व था, हमारी कॉन्सुलेट। और जब मैंने शांति फंड के साथ काम किया, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े, खाली शांति फंड ही नहीं, उनके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी जुड़े, लेकिन उन्होंने उसमें लीडरशिप दिखाई और मुझे उससे बहुत संतुष्टि मिली है। क्योंकि आपको तो पता चल गया होगा कि मैं थोड़ा पर्यावरण या प्रकृति से मेरा थोड़ा रुझाव है, और जो अपने डिप्लोमेसी और ये जो कम्युनिटी के साथ काम करने उस एरिया में हम काम कर पाए, उससे मुझे दोगुना खुशी हुई। तो आपकी उपस्थिति में हमारे यहाँ भी मैनेजमेंट का ट्रांजिशन हुआ, और जो होने वाला था उसके पहले भी आप वहाँ आए थे, तो आपने कहा था ये होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसे अनुभव या जो यात्रा के चरण हैं उसमें आप यहाँ साक्षी रहे हैं, कई लोगों के जीवन में कई घटनाएं ऐसी रही होंगी। तो मैं हमारे जो अभी चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारीक हैं उनकी तरफ से भी आपको बधाई देने का अवसर लेते हुए, मीडिया के रोल के बारे में आप कुछ संकेत देना चाहें, जो अनुभव आपका रहा और आपको लगता है कि आगे इन बातों की तरफ जो खास करके इंडियन अमेरिकन मीडिया है वो ध्यान रखे, तो जो पूरा इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहे, ऐसा कोई सुझाव आपका? देखिए, मैं तो एक चीज ये कहूंगा कि जो इंडियन अमेरिकन नेटवर्क मीडिया है, इसकी रीच बहुत अच्छी है, और हम लोग अगर उसको उस पर ध्यान ना दें तो हम उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। काफी इम्पैक्टफुल है। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, मैं कई जगह यूएसए में अपने एरिया से बाहर गया हूँ और वहां लोग मुझे मिलने पर लोग मुझे पहचान ली। तो मैंने कहा, मैं तो आपसे कभी नहीं मैंने आपको देखा है। कोई न्यूज़पेपर का नाम या चैनल, आपके चैनल का नाम लेंगे या टीवी एशिया का नाम लेंगे, आईटीवी गोल्ड का नाम लेंगे या किसी न्यूज़पेपर में। तो लोग क्या है ना कि जो भारतीय मूल के लोग हैं वो इंडिया से जुड़े हुए हैं एक एक इमोशनल लेवल पे, और उसकी पूर्ति वो एथनिक मीडिया को पढ़ के या देख के करते हैं। वो एक देखिए, आपके जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो एथनिक न्यूज़पेपर्स, वो शायद इतने कॉपीज प्रति उनकी इतनी नहीं बिकती, लेकिन ऑनलाइन में उनकी बहुत सर्कुलेशन है, इसलिए ये अखबार चल भी रहे हैं। नहीं तो अखबार चलाना आजकल के दुनिया में मुश्किल काम है। तो ऑनलाइन एडिशन लोग देखते हैं और उसकी कंजम्पशन है। तो मुझे लगता है कि इट्स अ पावरफुल टूल, और उसको उसका उपयोग हमें करना आना चाहिए, उसके साथ एंगेजमेंट करना बहुत जरूरी है एथनिक मीडिया के साथ। और ये और बढ़ेगा, जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी, एथनिक मीडिया का रोल बढ़ेगा। वेरियस लैंग्वेज आप देखिए, पंजाबी में कितने अखबार हैं, गुजराती में, हिंदी में, बंगला में अखबार हैं, तमिल में, तेलुगु में, हर भारतीय भाषा में अखबार हैं और चल रहे हैं। नहीं तो अपने जेब से खर्चा करके और घाटा करके तो अखबार कोई चलाएगा नहीं। तो इसमें एक इकोनॉमिक सेंस है और एक कम्युनिटी को जोड़ने में ये काम करती है, और मैं तो इसको बहुत महत्व पर्सनली देता हूँ। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, देखिए उसकी अलग लॉजिक होती है। आप कितना भी कर लें, आपको बहुत उनके अनुसार आपको कवरेज मिलेगा। वो जो चाहेंगे न्यूज में वही आएगा, वो चाहे अच्छा हो, बुरा हो,
चाहे मैं देश को हानि करता हो नहीं करता हो, वो न्यूज़ वो अपना अपने हिसाब से छापेंगे। लेकिन जो एथनिक मीडिया है वो एंड ऑफ द डे इंडिया लविंग है, इंडिया प्रेमी है, इंडिया पेट्रियोटिक है, और वो बियॉन्ड द पॉइंट वो अपने देश के लोगों को या देश को हानि नहीं पहुंचाएगा। तो मैं अपने अनुभव से कहूँगी थोड़े बहुत एक्सेप्शन इसमें हैं, पर उसको छोड़ते हुए बाय एंड लार्ज जो आप कह रहे हैं वो बात सही है। और उस बात को लेते हुए मैं समापन की तरफ जब जा रहा हूँ, तो हम इन दिनों जिन हालातों से निकले हैं, तो मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता तो और भी अधिक बढ़ गई है। मेंटल हेल्थ अपने आप में कहते हैं तो ऐसा लगता है भाई एक लेबल लगा दिया, पर हर एक मनुष्य का जीवन है, और हम उत्साहित रहें, सकारात्मक सोच हमारी रहे, उस दृष्टि से सबका अपना अपना एक तरीका होता है। और मुझे क्योंकि हम अभी जून में बात करें और कुछ समय पहले भारत ने एक महत्वपूर्ण अभिनेता को भी इस तरह से खो दिया, उन्होंने आत्महत्या कर ली, इस तरह की खबरें रही, तो उसको लेकर भी मेंटल हेल्थ की बात बहुत आई, और बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय ने भी ये COVID-19 के चलते इस पे जोर दिया। तो आप अपने अनुभव से इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और मुझे ये भी इसके साथ जोड़ना है कि आपका जो ब्लॉग है और उससे पता लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी का एक और डायमेंशन है, वेयर यू आर क्रिएटिवली इंक्लाइंड टुवर्ड्स फोटोग्राफी एंड राइटिंग ऑल्सो। सो टॉक टू मी अबाउट हाउ दैट इज अ सोर्स ऑफ एनरिचमेंट फॉर यू। तो ये दोनों बातें। नहीं, आपने जो हमारे हमने जो अभिनेता को खो दिया है उसके बारे में बात करी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो मेंटल हेल्थ एंड डिप्रेशन है ये हमारे चारों तरफ है, और कोई भी आदमी डिप्रेस हो सकता है। इसमें आदमी की सफलता या आदमी किस श्रेणी का है या उसकी इकोनॉमिक सक्सेस पर डिपेंड नहीं करता। बहुत ही सक्सेसफुल लोग डिप्रेस हो सकते हैं। इसमें ज़रूरत है उनको समझने की, और ये कई फैक्टर्स हैं, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द बॉडी। तो हो सकता है आदमी बहुत ही प्रॉस्परस हो, बहुत ही सक्सेसफुल हो, लेकिन हो सकता है डिप्रेस हो। तो हम लोग जो दूसरे उनके साथी हैं, परिवार के लोग हो, दोस्त, उनको वो सिग्नल लगता है, थोड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। आदमी को समझना चाहिए कि कौन आदमी डिप्रेस है, उसके साथ कैसे उसको, जो डिप्रेस होने पर एक सुसाइड करना एक प्रोक्लिविटी हो जाती है, एक उसमें एक प्रेशर आता है कि मैं मेरा कोई मूल्य नहीं है दुनिया में, मैं यहाँ से चला जाऊँ। ये एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, और उनको रीच आउट करने की बहुत जरूरत है। कोविड के टाइम में मेंटल हेल्थ इश्यूज खूब आए थे। इनफैक्ट आप ध्यान दिया होगा, हम लोगों ने मेंटल हेल्थ पे इवेंट्स भी करे थे, हम साइकोलॉजिस्ट को लेके आए थे, और यहाँ पे हमारे हेल्पलाइन में बहुत लोगों के फोन आते थे, और हम लोगों ने यहाँ के जो हमारे भारतीय मूल के डॉक्टर्स हैं उनसे मदद लेके कई लोगों की काउंसिलिंग भी करी है। हम लोग खुद कुछ लोगों को हफ्ते में 2-3 बार फोन करते थे, जब हमें लगता था कि ये बच्चा और ये स्टूडेंट है डिप्रेस हो रहा है या अकेलापन महसूस कर रहा है। तो हमारे लोगों के पास, हमारे पास एक सिस्टम था जिससे हम कॉल करते थे और गप मारते थे। आप सोचिए, कॉन्सुलेट के लोग फोन करके गप मार रहे हैं जस्ट टू मेक दैट पर्सन फील कि नहीं, हम, मेरा कोई देखने वाला है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं यहाँ फंस गया हूँ इंडिया से, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। और हम रूटीनली फॉलो अप करते, अरे उसको आज फोन लगाया, अच्छा तुम लगा, आज मैं लगाऊंगा या कब वो लगाएगी। इस तरह का काम भी हम लोगों ने किया है। तो इस बात को एक तरफ रखते हुए आपने मेरे दूसरे इंटरेस्ट के बारे में बात की, मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरत है जिंदगी में, और मन में संतुलन बनाए रखने के लिए। अगर आप एक चीज में ही घुसे रहेंगे या एक चीज में लीन रहेंगे, तो उसमें अगर सफलता नहीं मिलती है तो आदमी फिर डिप्रेस हो सकता है। लेकिन अगर आपकी इंटरेस्ट बहुत मल्टीफेरस हो, कई चीजों में आप रुचि रखें, हॉबीज हो, स्पोर्ट्स करें, और आपके दूसरे पैशंस हो, तो एक जगह विफलता मिलती है तो दूसरी जगह सफलता मिल जाती है, तो बैलेंस आउट हो जाता है। तो इसलिए मैं कुछ और एरियाज में, अभी इस उम्र में तो स्पोर्ट्स करना थोड़ा जोखिम भरा होगा, खतरे से खाली नहीं होगा, तो मैं दूसरे तरीके की चीज करने की कोशिश करता हूँ और आनंद लेके करता हूँ। तो मैं, अगर करुणा जी उपस्थिति होती तो मैं उनसे पूछता कि आपको कुकिंग में इंटरेस्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि उनके लिए खतरा होगा मुझे पता नहीं। सो बेसिकली आपका ओरिजिनली कुकिंग में इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत? कुकिंग में इंटरेस्ट है, मुझे लगता है हर मर्द को कुकिंग में इंटरेस्ट रखना चाहिए, ये पारिवारिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, तो हमारी बातचीत बहुत ही आनंददायक रही, और समापन करते करते मैं एक सवाल जो आने वाली पीढ़ी के साथ संबंध रखता है, और यहाँ पे पेरेंट्स कई बार ये सोचते हैं कि मेरा भारत से इतना प्रेम है, मेरे बेटे मेरी बेटी का उतना इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि सब परिवार ऐसे नहीं है, कुछ परिवार में सेकेंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन भी इंटरेस्ट लेते हैं, बट
इस डायरेक्शन में आप भी काफी सीरियसली आपने इसको कंसीडर किया था कि कैसे उनका इंटरेस्ट भारत की तरफ बढ़ाया जाए, तो उस दिशा में कुछ संकेत आप और देना चाहें कि क्या कर सकते हैं पेरेंट्स की बच्चों को इंडिया में इंटरेस्ट बढ़े? देखिए, मैं ये कहूंगा कि बच्चों को इंटरेस्ट इंडिया में तरह तरीके से लोगों को इंटरेस्ट है। अब ये नहीं कि पेरेंट्स का जिस रूप में भारत में इंटरेस्ट है, बच्चों का भी उस रूप में हो। अब मैंने कल ही उदाहरण दिया था किसी को कि मान लीजिए कि हमारे कल्चरल प्रोग्राम में युवा लोग नहीं आते हैं, लेकिन जब मैं बिजनेस इवेंट करता हूँ, इन्वेस्ट इन इंडिया करता हूँ, इन्वेस्टर राउंड टेबल करता हूँ, या रोड शो करता हूँ फाइनेंशियल सेक्टर की, उसमें तो सब युवा लोग आते हैं। तो हर चीज हर आदमी को अपील नहीं करता है। अगर मैं वाइल्ड लाइफ, मैंने एक टाइगर पे इवेंट करा था अभी ना, सक्सेस स्टोरी ऑफ द इंडियन टाइगर, उसमें बहुत यंग लोग आए थे, उनको एनवायरनमेंट अपील करता है। अगर मैं सैनिटेशन पे कुछ करूं तो हो सकता है कुछ और लोग आए। मैंने जो भी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स करे उसमें बहुत, क्योंकि देखिए न्यूयॉर्क में, जैसे न्यूयॉर्क इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे जो इंडिया पोर्टफोलियो कंपनीज के हैं सब भारतीय मूल के लोग चलाते हैं, यंग लोग हैं, 25, 30, 35 साल के लोग हैं। और जब हम लोगों ने इवेंट्स यहाँ पे करें, जैसे अरुण जेटली साहब के साथ, या निर्मला सीतारामन जी के साथ, या ये आपके नीति आयोग के आए थे सीईओ अमिताभ कांत जी, या उनके वाइस चेयरपर्सन आए थे उनके साथ करिए, हमने जो बिजनेस इवेंट्स करे हैं, जो अजय बांगा जी के इवेंट्स थे, या इंदिरा नूयी, उसमें तो यंग लोग आए हैं। और हम लोगों ने जो क्लासिकल प्रोग्राम्स करे थे उसमें यंग फॉरेनर्स आए थे, कॉकेशियन लोग आए थे। तो डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोडक्ट क्या है, और डिफरेंट लोगों को रुझाने के लिए आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जरूरत है। आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे इंडिया अच्छा काम कर रहा है, प्रगति के रास्ते पे है, और इकोनॉमी बड़ी होगी, यंग लोग अपने आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो लोग देखेंगे अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, टूरिज्म में जुड़ेंगे, इंडियन मार्केट्स में जुड़ेंगे, इंडियन आईटी में जुड़ेंगे, कंपनीज में जुड़ेंगे, और अपने अपने रूप से लोग जुड़ेंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं। तो आपने हमारे साथ जुड़कर इतना समय निकाला, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद, बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ देते हुए। यदि आप चाहें कि कोई बात सीधे सीधे आप हमारे दर्शकों को और कहना चाहें जाने से पहले, क्योंकि जैसे मैं उस दिन आपसे याद कर रहा था कि ये वाले जो क्षण होते हैं जब कोई इस तरह से ट्रांसफर होकर जा रहे होते थे, मैं आकाशवाणी जोधपुर में था तो कई आंसू आंसू आ जाते थे कुछ खास लोगों के, क्योंकि तो कॉलेज के दिनों में भी ऐसा होता था, बट अब उम्र भी अलग है और मेच्योरिटी के लेवल्स भी अलग हैं। स्टिल इमोशनली जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं न्यूयॉर्क पे, तो क्या बात मन में आपके आती है, और चलते चलते हमारे दर्शकों को आप कुछ कहें? नहीं, मैंने सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे आपने सेवा करने का अवसर दिया, मौका दिया, और मैं ये आशा करूंगा कि जो मेरे बाद जो सीजे आएंगे उनको भी आप उसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। और न्यूयॉर्क एक वाकई एक स्पेशल, एक अद्भुत शहर है, और अद्भुत इन द पॉजिटिव वे, काफी कुछ इसमें आदमी को ये सिखाता है, और इसमें बहुत एनर्जी है, पावर है, और जो हम अपने देश के हित में ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, और हमारी कम्युनिटी यहाँ पे काफी इन्फ्लुएंशियल है, उनके साथ अगर हम जोड़ के और मिल के काम कर सकें तो हमारे देश के लिए अच्छा होगा। और मैं और अभी कुछ और नहीं कहना चाहूंगा, मैं खाली आभार प्रकट करना चाहूंगा, माई ग्रेटिट्यूड, माई हार्ट फेल्ट थैंक्स, एंड ऑल्सो टू ITV गोल्ड एंड टू यू अशोक जी फॉर एंगेजिंग विथ अस इन अ वेरी प्रोडक्टिव वे, और हम अपनी बात आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाए, ये हमारा सौभाग्य है। नमस्कार। तो मेरा साथ दिया इतनी उदारता के साथ में, बड़ी देर रात मैंने ये रिकॉर्ड किया है, समय की कमी के कारण भी आपने इतना समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला। हमारे एम्बेसडर कौंसल जनरल संदीप चक्रवर्ती साहब, और सारे विशेषण हटाते हुए बहुत सारा प्रेम आपके लिए, बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संदीप जी का धन्यवाद करते हुए आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए आभार। अशोक व्यास को नौकरी